सो हेलो जी नमस्ते, आई होप समझते, वेलकम टू ए के हेल्थ रिव्यू। सॉरी काफ़ी वक्त से वीडियोस आ नहीं पाए, कुछ इश्यूज चल रहे थे, आई होप आप समझ सकते हैं। बट अब ये एंटरटेनमेंट की गाड़ी शुरू हो चुकी है और ये रुकेगा नहीं साला। सो हाल ही में मैंने देखी लव रंजन की रणवीर श्रद्धा स्टारर मूवी तू झूठी मैं मक्का। वैसे मुझे कैसी लगी ये मूवी ये आपको जानने के लिए एंड तक वेट नहीं करना पड़ेगा। मूवी मुझे काफ़ी पसंद आई और एंटरटेनिंग थी भाई, मज़ा तो आया ही आया। आप मजे से अपने दोस्तों के साथ इसको एंजॉय कर सकते हो। और हाँ, मूवी में किसिंग सीन्स भर भर के हैं, तो फैमिली के साथ देखना न देखना आप पे डिपेंड करता है। सो आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने ये मूवी देख ली है, और अगर नहीं देखी तो स्पॉइलर अलर्ट, आगे आपको स्पॉइलर्स मिल सकते हैं। आप मूवी को देखिए फिर यहाँ से इसको वापस से कंटिन्यू करें। यार लव रंजन ने लड़कों की दुखती रख को पकड़ लिया है, ये वही सब टॉपिक्स पर मूवी बनाते जा रहे हैं जो खाली टाइम में लड़के आपस में या खुद से डिस्कस करते रहते हैं, जैसे गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड्स, एक्स के साथ चीट करना या फिर बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड खेलना। फिर एक और सवाल के साथ नई फिल्म आई, दोस्त या प्यार क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस बार का टॉपिक आया है प्यार या परिवार। जब रणबीर को हो जाते लव एट फर्स्ट साइड श्रद्धा से और दोनों शादी करना चाहते हैं, बट यहाँ पे पर्सनल स्पेस की वजह से श्रद्धा कुछ हिचकिचाने लगती है, वो ज्वाइंट फैमिली के साथ नहीं रह सकती और अपना प्यार किसी के साथ बांट नहीं सकती, और लड़का फैमिली के बिना रह नहीं सकता, कोई किसी को कामने से कुछ कहता नहीं, और यही सच झूठ का खेल आगे बढ़ता चला जाता है। यह रणबीर अपने पुराने अवतार में देखेगा, जिसमें बचना ए हसीनो, तमाशा ये जवानी है दीवानी, ए दिल मुश्किल की बहुत ज्यादा वाइब आपको मिलेगी, और कुछ सीन्स तो वैसे ही लगेंगे। एक दिल टूटे आशिक वाला वॉक, फिर तमाशा का वो बार वाला सीन, वैसा ही आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा बट डिफरेंट इमोशंस के साथ। और भाई प्यार होता कई बार है, ये गाना बड़ी स्क्रीन पर देखने पर मजा डबल ही हो जाता है। रणबीर का फुटवर्क देखने में कमाल है और एकदम स्मूथ मक्खन सरीका यार। श्रद्धा भी अपने बबली अंदाज में काफी अच्छी लगती है और उनका परफॉर्मेंस भी बढ़िया था गुरु। अगर ध्यान दो जब रणबीर को ब्रेकअप का रीजन पता चलता है, उस टाइम पे जो फ्रेम है एकदम शेक करने लगती है लेकिन बहुत धीमी, और वहीं अपोजिट श्रद्धा का फ्रेम एकदम स्टिल होता है, एकदम ठहरा हुआ, जिससे हमें सीन की डेप्थ समझ में आती है कि ये बात श्रद्धा के लिए कितनी सीरियस है, वहीं रणबीर के लिए हिला देने वाली, जिसे वो फिक्स नहीं कर सकता। और भाई अपना बड़ी बस्सी, जिसने अनुभव बस्सी के वीडियोस देख रखे हैं, वो मूवी में यूज हुए लाइंस को कई जगह पकड़ ही लेंगे। और भाई इस मूवी को देखकर एक बात तो समझ में आई, भाई बंदा तो एक्टिंग कर सकता है। वहीं बाकी बच्ची कास्ट भी बहुत अच्छी थी, बट डिंपल एज अ मदर बस चीखती चिल्लाती ही रही, और बोनी कपूर बस थे सीन्स में। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, छोटा पैकेट बड़ा धमाका इनायत वर्मा, इस बच्ची का प्रेजेंस ही सीन्स को मजेदार बना देता था, बीच बीच में वन लाइनर्स बाप रे बाप। फर्स्ट हाफ के स्टार्टिंग में तो मौज मस्ती धमाल चलता ही रहता है, बट उसके बाद जब फैमिली वाले सीन्स ऐड होने लगते हैं तब लगता है कि भाई कहानी थोड़ी खींची खींची सी लगती है, वह आपको लेंथ फील हो सकता है, लेकिन वही इंटरवल के बाद मूवी सीधे एलिवेट कर जाती है और इसका ग्राफ कॉमेडी की तरफ बड़ा चला जाता है। वैसे लव रंजन मूवीज में कुछ चीजें तो कॉमन हमेशा रहती हैं, जैसे दारू पार्टी वाले कुछ गाने और साथ ही साथ कुछ रेंटिंग मोनोलॉग्स। यहाँ रेंटिंग मोनोलॉग्स भी कई जगह यूज किए गए, स्टार्टिंग में तो थोड़ा अच्छा लगते हैं बट जब वो रिपीटेटिव होने लगता है तो वो कुछ इरिटेट करने लगता है। इसके साथ साथ एक कंटिन्यूटी है जो टूटी है, हर बार इनकी मूवीज में लड़कियां गलत दिखाई जाती थी बट इस बार लड़का और लड़की दोनों के पर्सपेक्टिव को दिखाकर इस मूवी को आगे बढ़ाया गया है। ओवरऑल मूवी के लिए एक ही बात कहूंगा, अंत भला तो सब भला, एक हंसी मजाक वाला एंडिंग मूवी को और ज्यादा एंटरटेनिंग बना देता है, और पता नहीं मैं कितनी बार हंसाऊंगा इसके क्लाइमैक्स को देख देख कर। सो मेरे लिए तो लव रंजन का फॉर्मूला काम कर गया और मैं इसे दूंगा 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स। सो अगर आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा तो कर दो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और हाँ याद है ना अपना टारगेट 1500 सब्सक्राइबर का है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।